धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने 1.5 लाख मरीजों के इलाज के रिकॉर्ड के साथ सफलतापूर्वक 25वीं वर्षगांठ पूरी। इस अभूतपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में अस्पताल ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक समारोह का आयोजन किया और उत्तरी भारत में बदलते कैंसर के ट्रेंड और अपने सफर को साझा किया। कैंसर डिटेक्शन की फैसिलिटी जो घर के पास होनी चाहिए थी वो नहीं थी। स्टेजिंग वर्क का मतलब है कि कैंसर तो डिटेक्ट हो गया, उसकी स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसका पता लगाना। क्योंकि बिना स्टेज के अगर पता लगाओगे तो अगर सर्जरी की जरूरत है तो रेडिएशन कर लोगे, रेडिएशन की जरूरत है तो कीमोथेरेपी कर लोगे। पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को किस चीज़ की जरूरत है, उसके हिसाब से इलाज होता है। ट्रीटमेंट एंड सपोर्टिव केयर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, ये सब वी ब्रॉट टू द डोरस्टेप ऑफ पीपल, मतलब दिल्ली वालों के दरवाजे पे लाके हमने ये 1994 में फैसिलिटीज को खड़ा किया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कि परिवर्तन हो गया कि दिल्ली वालों के लिए एक कैंसर हॉस्पिटल तैयार हो। जो ये दो ग्राफ से हिंदुस्तान का नक्शा आपको बता रहा है कि 1994 के अंदर ये पहला नॉर्थ इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का नॉर्थ इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का पहला हॉस्पिटल। इस वक्त आपको 10 सेंटर मिल जाएंगे, 3 तो कॉम्प्रिहेंसिव हैं जिसमें डॉक्टर हैं और 7 हैं जिनकी अपने अस्पतालों में कैंसर की उन्होंने यूनिट लगाई। तो ये परिवर्तन आया, कैंसर सीन जब हम बदलना चाहते थे ये परिवर्तन आ गया कि अब एक से ये भी अनेक होने शुरू हो गए, ये परिवर्तन। जहाँ डॉक्टर एस खन्ना, फाउंडर धर्मशिला हॉस्पिटल एवं प्रेसिडेंट धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, कमांडर नवनीत बाली, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया नारायण हेल्थ और श्री अनुज गुप्ता, COO धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपने विचार साझा करने को मौजूद थे। मैं अचानक कहीं जा रही थी तो रास्ते में हॉस्पिटल पड़ा, मैंने कहा चलिए डॉक्टर खन्ना को मिलते हुए जाऊँगी, क्योंकि जब बन रहा था तो इनकी मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। तो मैंने ऐसे ही बातों में कहा, मैंने कहा डॉक्टर मेरे को इस जगह पे ना बड़ी पेन होती है, कारण मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन चलो आपका वो कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को किसी कार्यक्रम में जाना है, मैं फिर कभी आऊँगी। ये कहने लगे नहीं भाभी जाने भी दूँगी, अभी आपका अल्ट्रासाउंड करा के ही भेजूँगी। अल्ट्रासाउंड हुआ, इनको तो पता चल गया कि मुझे कैंसर है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। इन्होंने कहा भाभी कल आपको ना दाखिल होना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहते जरा आपके टेस्ट वेस्ट अच्छी तरह कर लें। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं हमारे एक लंबा प्रोग्राम था कथा का, 9 दिन का कार्यक्रम है, मैं उसके बाद आऊँगी। कह लेंगे नहीं आपको कल ही होना है। इन्होंने वो टेस्ट करा के अगले दिन कहा आप बेटी को साथ लेके आना। मैं गई, इन्होंने मुझे दाखिल कर लिया और मुझे आज भी वो तारीख याद है, 12 अक्टूबर 1999 दाखिल हुई। अगले से अगले दिन मेरा ऑपरेशन भी हो गया और मुझे नहीं पता कि मुझे कैंसर है। 96 में किसी ने बोला कि भाई धर्मशिला हॉस्पिटल है आप वहाँ ले जाइए, तो हम यहाँ पर भी आए। 6 मंथ ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर भी डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि भाई आप पेशेंट अपना ले जाए, लेकिन उस टाइम ज्वाइन किया। मैं मैडम से बोलना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर पुलित गुप्ता है जिन्होंने उस टाइम ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मैडम खन्ना भी उस टाइम वहीं थी, डॉक्टर पुलित गुप्ता थे। तो इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया मुझे, रिवर्स बूस्ट टेक्निक जिसे कहते हैं, जो ट्रीटमेंट मेरे को लास्ट में देना चाहिए था उन्होंने मेरे को फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया। और धर्मशिला हॉस्पिटल के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने मेरे को ऐसा दिया, हर स्टाफ हर डॉक्टर ने ऐसे मोटिवेट किया जैसे वो अपने बच्चे को करते हैं। मैडम खन्ना ने मुझे अपनी गोदी में उठाया हुआ है, डॉक्टर पुलित गुप्ता ने मुझे अपनी गोदी में उठाया हुआ है और मेरा एक रूम पैक था वहाँ पर, सेकंड फ्लोर पर 217, मुझे वही रूम मिलता था हर बार जब मेरी कीमो हुई है। साथ ही 20 वर्ष से अधिक समय पहले धर्मशिला अस्पताल के इलाज से कैंसर मुक्त हो चुके सर्वाइवर भी अपना सफर साझा करने को मौजूद थे। डॉक्टर एस खन्ना ने अपने व्यक्तित्व में कहा, कैंसर के इन बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हमें प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
जो खास तौर पर जीवन शैली से संबंधित कैंसर पर केंद्रित हो। हमें जनता को कैंसर स्क्रीनिंग के महत्व के बारे में भी जागरूक करना होगा। कमांडर नवनीत बाली, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया नारायणा हेल्थ केयर ने कहा कि कैंसर के इलाज की इतनी संख्या में सफल कहानियां सबके साथ साझा करना हमारी टीम के निश्चित ही गर्व की बात है। अपने मरीजों को सर्वसे इलाज देने के अलावा धर्मशिला नारायणा अस्पताल अपने सामाजिक दायित्व को भी समझता है। एक संस्थान होने के नाते हम मुफ्त हेल्थ केयर चेकअप और जागरूकता कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करवाते हैं। हमारे पास अनुभवी डॉक्टरों की टीम है जो लगातार अपने मरीजों को आधुनिक तकनीक के जरिए इलाज करती है। जैसे पहले भी बताया गया कि जब आप किसी वेंचर की शुरुआत करते हो तो परेशानियां आती हैं, आपके फंड्स में फिनेंशियल परेशानियां आती हैं, फिर डॉक्टर्स की कमी, क्योंकि कैंसर सीन स्टार्ट हो रहा था देश के अंदर और डॉक्टर्स की इतने डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, फिर टेक्नोलॉजी भी दुनिया में इतनी विकसित नहीं थी, तो लगभग फिनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, मैन पावर, सारी की सारी परेशानियाँ, क्योंकि और कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, आराम हमारे सामने पहला अस्पताल था, तो ये सारी की सारी परेशानियाँ हमें फेस करनी पड़ी। डॉक्टर देवी शेट्टी ने नारायणा का शुरुआत की थी, नारायणा की, और डॉक्टर खन्ना ने धर्मशिला की शुरुआत की थी, और ये बहुत नेचुरल था कि कैंसर हॉस्पिटल को एक सुपर स्पेशलिटी से अगर जोड़ना है तो धर्मशिला को नारायणा से बेटर पार्टनर नज़र नहीं आया। और अप्रैल 2017 में दोनों ने आपस में मिलाप किया और लास्ट दो साल जो नारायणा और धर्मशिला के रहे हैं वो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग, क्योंकि कैंसर के मरीजों को बाकी स्पेशलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है और नारायणा का काफ़ी एक्सपीरियंस बाकी स्पेशलिटीज़ को चलाने में भी रहा है। तो लास्ट दो साल की जर्नी हैज़ बीन एक्सीलेंट और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये जो आपस में पार्टनरशिप है इससे सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी सोसाइटी की हो और वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड दैट दिस पार्टनरशिप सीज मच बेटर डेज अहेड ऑल्सो। सर एक लास्ट सवाल, कोई ऐसे पेशेंट आता है कैंसर का शिकायत, तो वो अगर गरीब होता है, ज़्यादा वो पैसा वाले नहीं होते, तो किस तरह से मदद करते हैं आप? अगर आप गूगल में जाएंगे और डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में और नारायणा हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे तो डॉक्टर शेट्टी ने एक बात बहुत बार बार कही है कि अ सोल्यूशन विच इज़ नॉट अफोर्डेबल इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट हमारे दरवाजे के अंदर आता है, वो चाहे किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेटा का हो, अगर वो गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं, हम जिसके या तो उसके पास जितने पैसे हैं उसमें इलाज करेंगे या कई पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज भी करते हैं अगर हमें लगे कि उस पेशेंट के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उसमें हम फाइनेंशियल वायबिलिटी और फाइनेंशियल उसके पास क्या है वो बिल्कुल देखते नहीं है। ये नारायणा की बहुत ज़्यादा हो रही है हमेशा।